छत्तीसगढ़ के बीजापुर से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। बीजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बीजापुर से बड़ी खबर, आईडी ब्लास्ट होने से बस्तर फाइटर का जवान घायल हुआ है। बीजापुर से बड़ी खबर, आईडी ब्लास्ट हुआ जिसकी चपेट में आने से बस्तर फाइटर का एक जवान चोटिल हो गया। हिरोली कैंप और कांवड़ गांव के मध्य माओवादियों ने आईडी प्लांट किया हुआ था। हिरोली कैंप और कांवड़ गांव के मध्य माओवादियों ने इस आईडी को प्लांट किया था। जवानों को नुकसान पहुंचाना नक्सलियों का उद्देश्य होता है। हिरोली कैंप से 3 किलोमीटर की दूरी पर नक्सलियों ने प्रेशर आईडी लगाया था और प्रेशर आईडी की चपेट में आने से बस्तर फाइटर का एक जवान घायल हो गया है। बस्तर फाइटर में पदस्थ अरविंद एक्का के पैर में चोट आई है। क्योंकि ये प्रेशर आईडी थी, इस वजह से जब आरक्षक का पैर आईडी के ऊपर पड़ा तभी आईडी ब्लास्ट हो गया। सर्चिंग पर डीआरजी, बस्तर फाइटर और कोबरा की संयुक्त टीम निकली हुई थी। इसी दौरान की घटना बताई जा रही है। बेहतर उपचार के लिए हेलीकॉप्टर से घायल जवान को रायपुर लाया जा रहा है। बड़ा अपडेट इस मामले में आपको बता दें, जवान घायल हुआ बीजापुर में, लेकिन बेहतर उपचार के लिए अब उसे एयरलिफ्ट करते हुए हेलीकॉप्टर से राजधानी रायपुर लाया जा रहा है, जहां आगे का इलाज किया जाएगा। बीजापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे, आईडी ब्लास्ट होने से बस्तर फाइटर का एक जवान घायल हो गया। हमारे सहयोगी सतीश अल्लूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, सबसे पहले बताएं कि कब की ये पूरी घटना है और जवान कब तक रायपुर पहुंचेगा और क्या स्थिति उसकी पता चल पा रही है? देखिए, मैं बता दूं आपको, लगातार जिस प्रकार से हफ्ते भर से जो नक्सली गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिला है पूरे बस्तर संभाग में, उसी की तर्ज पर ही जो है नवीन कैंपों की स्थापना जो है पूरे जिले में अब चालू किया गया है। उसी तर्ज पर ही जो जी गंगलोर और हिरोली जो मार्ग है उस एरिया पे काफी ज्यादा हलचल देखने को मिली है माओवादियों की, और माओवादियों का कोर एक इलाका है ये, तो उस इलाके में वहां पे अब जो है नवीन कैंप स्थापित किया गया है। और नवीन कैंप के स्थापित करने के दौरान में जो रोड ओपनिंग पार्टी निकलती है, जो डीआरजी की टीम है और अन्य जो जवानों की जो टीम है वो निकलती है, तो उसी दरमियान ये आईडी ब्लास्ट हुआ है। और इस आईडी ब्लास्ट में एक जो बस्तर फाइटर का जो जवान है वो वहां पे पैर लगने की वजह से उसको जख्मी हो गया और जिसे काफी गंभीर चोटें लगी है, जिसको जिला अस्पताल बीजापुर लाया गया और उपचार के उपरांत उसे रायपुर रेफर कर दिया गया है चॉपर के माध्यम से। फिलहाल अभी जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं मिल पा रही है कितनी ज्यादा गंभीर चोटें हैं, क्योंकि जिस हिसाब से, क्योंकि संवेदनशील क्षेत्र है और सर्विलेंस में रखना है, तो इस हिसाब से देखते हुए जो है जवान से अभी पुष्टि नहीं बता पा रहे हैं कि कितना ज्यादा गंभीर चोट लगी है और किस हिसाब से उसकी इलाज आगे भी चली गई। जी सतीश, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, आगे की खबरों पर भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल जिस तरह से हमारे सतीश अल्लूर हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि जवान को फिलहाल रायपुर रेफर कर दिया गया है, जहां आगे उसका बेहतर उपचार किया जाएगा।